बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम peachtreetutor.com पे आपको खुश आमदेद। व्यूअर्स, इस वीडियो से हम बाकायदा तौर पे पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लर्न करने का आगाज़ करेंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले बेहतर होता है कि आप उसके इंटरफेस का जायज़ा ले लें। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि पीचट्री का बेसिक इंटरफेस क्या है और जब आप पीचट्री सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आपके पास क्या स्क्रीन अपीयर होती है। व्यूअर्स, जब आप पहली मर्तबा पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद स्टार्ट करते हैं तो आपके पास पीचट्री अकाउंटिंग की स्टार्ट स्क्रीन अपीयर होती है, जिसमें आपके पास चंद एक ऑप्शंस हैं और इन तमाम ऑप्शंस को हम इंडिविजुअली एक एक करके डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, इसमें से पहला ऑप्शन है ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी का। अगर आप ऑलरेडी पीचट्री पे काम कर रहे हैं और आपने पहले से अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट किया हुआ है पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो उस सूरत में आप इस वेलकम स्क्रीन में से पहले ऑप्शन को चूज करेंगे और अपने पहले से इंस्टॉल्ड कंपनी या सेटअप जो आपने कंपनी का इंस्टॉल किया उसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट नहीं किया हुआ है, जो कि दूसरा ऑप्शन है आपके पास, तो फिर आप क्रिएट अ न्यू कंपनी के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि हम अभी इस्तेमाल करने वाले हैं इस ऑप्शन को, क्योंकि अभी तक हमने अपनी कंपनी का सेटअप इस सॉफ्टवेयर में क्रिएट नहीं किया। तीसरा ऑप्शन व्यूअर्स आपके पास पीचट्री की वेलकम विंडो पे जो अपीयर होता है वो है एक्सप्लोर अ सैंपल कंपनी। पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में चंद एक सैंपल कंपनीज का डाटा बनाकर रख दिया गया है ताकि पीचट्री को लर्न करने में आसानी हो और इसकी बेसिक्स को समझने में हमें मदद मिल सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक सैंपल कंपनी का डाटा एक्सप्लोर करें तो आप तीसरे ऑप्शन को व्यू करेंगे। चौथा ऑप्शन है व्यूअर्स टेक अ गाइड टूर ऑफ पीचट्री का। जी हाँ, पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ एक छोटा सा ट्यूटोरियल इंग्लिश जुबान में जो है वो बनाकर रख दिया गया, जो कि आपको पीचट्री के बेसिक्स से अवेयरनेस दिलाता है। चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन व्यूअर्स आपके पास है कन्वर्ट फ्रॉम अ क्विक बुक्स और वन राइट प्लस कंपनी। व्यूअर्स, पीचट्री कोई अकेला सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि अकाउंटिंग को, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। बहुत से और भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि क्विक बुक्स, टैली और वन राइट प्लस। तो व्यूअर्स, अगर आपका पहले कंपनी का सेटअप क्विक बुक पर या वन राइट प्लस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट किया हुआ है, तो आप उसका डाटा एज इट इज इंपोर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं उसे आप पीचट्री के अंदर। तो उसके लिए आप सेकेंड लास्ट ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। और व्यूअर्स, लास्ट ऑप्शन है एग्जिट पीचट्री का, यानी आप पीचट्री के इस विंडो से एग्जिट करने के लिए इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी कंपनी का एक नया सेटअप क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि हम पीचट्री में अपनी कंपनी का सेटअप किस तरह से क्रिएट करते हैं।